के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिविल इंजीनियर किस तरीके से ऑनलाइन पैसे अर्न कर सकता है। आप सबके अंदर एक चॉइस होगी कि मुझे ऑनलाइन पैसे अर्न करना है, बट कैसे ये नहीं पता होता। आज के वीडियो में मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप इजली ऑनलाइन पैसे अर्न कर सकते हो, कुछ भी अगर आपने सीखा है तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको प्रॉपर समझ आएगा किस तरीके से सिविल इंजीनियर ऑनलाइन पैसे अर्न करता है। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सब ने कहीं पे भी जाके कुछ अलग अलग कोर्सेस सीखे होंगे, यानी किसी ने ऑटोकैड सीखा होगा तो किसी ने रेविट सीखा होगा, किसी ने 3ds मैक्स सीखा होगा, किसी ने गूगल स्केचअप सीखा होगा। और कितना अच्छा हो अगर आप उन सब मॉडल को बनाओ अच्छे तरीके से और उनका पैसा मिलने लगे आपको। तो आप बोलोगे सर प्रोजेक्ट इतनी आसानी से नहीं मिलता। हाँ जी, प्रोजेक्ट इतनी आसानी से नहीं मिलता, बट कुछ मेथड्स हैं जिनको आप अगर करते हो तो आप इजिली पैसे अर्न कर सकते हो ऑनलाइन। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद भी अर्न कर रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों कई ढेर सारी साइट्स हैं जिनको ब्लॉक खरीदने होते हैं, ब्लॉक इन द सेंस चेयर टेबल एंड ऑल, इस तरीके के सारे कंपोनेंट्स। कुछ लोगों को 3D प्लांस खरीदने होते हैं, 3D व्यूज इसको बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन ये खरीदने होते हैं। तो वो लोग अगर आपके रेंडर में क्वालिटी है देखो तभी खरीदेंगे वो। तो कौन कौन सी साइटें हैं जो आपके 3D प्लान को, 2D प्लान को, सेक्शन एलिवेशन और साथ ही साथ ब्लॉक ये सबको खरीदते हैं। सबसे अच्छी साइट उसमें से है टर्बो स्क्वाड, 3D स्क्वायरल, उसके बाद आपका CG ट्रेडर है, CG ट्रेडर के बाद रेंड्रो सिटी है। ये सारी बहुत ही फेमस साइटें हैं जो आपके ब्लॉक को खरीदती हैं और मैक्सिमम ये 80% आपको दे देती हैं और 20% के नियर अबाउट, कोई 20 अपने पास रखता है, कोई 15 रखता है, इस तरीके के शेयर्स रखते हैं। आप उनके जाइए, पॉलिसीज को पढ़ लीजिए, अपनी आईडी बनाइए, आपके पास जो कुछ है उसको ले जाके 3D स्क्वायरल पे, टर्बो स्क्वायर काफी है तो भरोसे बंद है क्योंकि काफी लोग उसको यूज कर रहे हैं, टर्बो स्क्वायर, CG ट्रेडर और उसके साथ रेंड्रो सिटी, उसके प्लान मार्केट प्लस, इन पे जाके आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने मॉडल को डाल सकते हैं। जैसे ही लोगों को मॉडल अच्छा लगेगा वहां पे आप प्राइस टैग दे सकते हो कि यहाँ पे मैं इतने प्राइस में इसको सेल करूंगा, $1 हो सकता है, $2 हो सकता है, $10 हो सकता है, आपके वर्क के अकॉर्डिंग आप वहां पे डाल दीजिए। जैसे अगर कोई परचेस करना चाहेगा तुरंत उसका इंसेंटिव जो भी 80% या 75% रहेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा आपको एक और मेथड है, अगर आप प्लान बना के नहीं सेल करना चाहते हो तो आपके पास एक मेथड है ऑनलाइन काम लेने का। किस तरीके से ऑनलाइन काम ले सकते हो, upwork.com आपने सुना होगा, फ्रीलांसिंग साइट है upwork.com, और उसके साथ ही साथ आपके पास fiverr.com है और freelancing.com, ये तीन तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं इंडिया में जिससे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैंने अभी अपवर्क पे स्टार्ट किया है, अभी मैं फाइबर पे एक बार मैंने कोशिश किया था बट ज्यादा उस पर नहीं कर पाया क्योंकि उसमें थोड़े से चार्ज होते हैं कुछ टाइम के बाद, लेकिन अपवर्क पूरी तरीके से फ्री साइट है। आप उस पर जाइए, अपनी आईडी बनाइए upwork.com पे और वहां पे आप अपना अच्छे तरीके से पहले प्रोफाइल मेंटेन करो। क्यों? प्रोफाइल अगर मेंटेन नहीं करोगे तो फिर सामने वाले को अट्रैक्शन नहीं होगा, उसको भरोसा नहीं होगा कि आप ये काम कर पाओगे। अब उसमें काम क्या क्या कर सकते हो आप, उसमें आप कर सकते हो लोगो डिजाइन अगर आपको आता है तो, आप एक्सटीरियर हाउस डिजाइन कर सकते हो, इंटीरियर हाउस डिजाइन कर सकते हो, अलग अलग पैरामीटर के प्लानिंग अच्छे अच्छे कर सकते हो, ये सारे कुछ वहां पे अवेलेबल होता है। स्ट्रक्चर की डिजाइन भी कर सकते हो, हर तरह का प्रोजेक्ट होता है। इवन मैं तो कभी कभी वीडियो एडिटिंग का भी लेता हूँ क्योंकि वीडियो एडिटिंग भी हम लोग करते हैं, तो अगर हमें वीडियो एडिटिंग मिल गया तो भी हम लोग उसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। लोगो डिजाइनिंग भी मैं करता हूँ तो हम लोग इस तरीके के प्रोजेक्ट तो कर लेते हैं। वहां पे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, आप जाइए वहां पे fiverr.com पे आज ही और upwork.com freelancing.com पे साइट बनाइए। उसके साथ ही साथ अब ये आप सोचते होंगे कि बस मैं साइट बन पे गया और वहां पे आईडी बनाया आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, अगर इतना आसान होता तो सबके सब जाके वहां पे ही खड़े होते। भाई सर इतना आसान नहीं, कैसे? आपको बिडिंग करनी पड़ेगी। आपको बिडिंग कैसे करनी पड़ेगी, लोग वहां पे अपने काम दिखाते हैं कि मुझे ये काम करवाना है, उसके बाद नीचे प्राइस टैग देते हैं कि मैं इतना प्राइस दूंगा, मींस इतने में पैसे में करूं आपको दे सकता हूं। अब आपको इतना अच्छा प्रपोजल लेटर तैयार करना है, मैंने भी अपना तैयार किया प्रपोजल लेटर,
आप प्रपोजल इन द सेंस आप क्या देने वाले हो, आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है, वो सारा कुछ प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल लेटर। प्रपोजल लेटर इतने अच्छे से आप तैयार करो, उसको आप डालो, बिडिंग करो, और बिडिंग करने के बाद अगर आपका प्रपोजल सामने वाले को अच्छा लग गया, ये प्रपोजल एक को भेजने से नहीं होगा, इसको ध्यान देना, कम से कम आपको 200-300 लोगों को भेजना पड़ेगा, बिडिंग करनी पड़ेगी। 200-300 में मान के चलिए कि 3 लीड जनरेट होगी और 3 में से फाइनल एक का प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, तो लगभग लगभग 1 महीने आपको देना पड़ेगा। आज के टाइम में अगर इतना आसान होता, आप देख रहे होंगे मैंने यूट्यूब चैनल लगभग 5 महीने से स्टार्ट किया है और अभी हम लोग कहाँ पे हैं, मीन्स पहले भी हमने किया था बट उस तरह उतना मैं डेडिकेशन के साथ नहीं कर रहा था। अभी मेरा इंटरेस्ट हुआ कि नहीं मुझे यूट्यूब पे वीडियोस करने हैं, आप तक पहुंचना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, तो मैंने 5 महीने से कंटिन्यू काम किया तो लगभग 7,000 सब्सक्राइबर अभी 7,000 होने वाले हैं, वो भी आपके ही हेल्प से हो रहे हैं। तो कुल मिला के क्या कर रहा हूँ मैं, 5 महीने मैंने डेडिकेट के साथ दे दिया है, जितना पैसा मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर मैं 1 घंटे बाहर देता हूं तो कम से कम हमें 2-3 हजार रुपए की अर्निंग होती है, लेकिन यहाँ पे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट हम आपके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। दोस्तों हर एक काम में आपको बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ती है, अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत ही मेहनत करने के बाद सीखा कि यार हम लोग सक्सेस क्यों नहीं पाते थे, तो मैंने देखा कि हम लोग एक दिन तो बड़े मन से काम करते थे, पढ़ना भी होता था, एक दिन बड़े मन से पढ़ते थे, फिर दूसरे दिन ग्राफ गिर जाता था, फिर धीरे फिर ऐसे, इसकी वजह से हमें सक्सेस नहीं मिल पाती थी। मैं आप लोगों से कनेक्ट क्यों होता हूं, सबसे बड़ी चीज है कि जब मैंने देखा, मैंने भी चीजों को जब फेस किया तो मुझे लगा कि यार जब मैंने चीजों को फेस किया तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, इतने ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं थे, फ्री लोग काउंसलिंग के पैसे लेते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो चीजें फेस किया हूं उसको आप लोगों तक शेयर करूंगा। इससे एक तो सबसे बड़ी बात कि मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, आप सब मेरी फैमिली हो, तो मेरी फैमिली भी बड़ी हो रही है, साथ ही साथ हम लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है। आपको नहीं पता कि आपके कमेंट से मेरा नॉलेज बढ़ता है, कैसे, आप जब कमेंट करते हो तो फिर मैं उसको पढ़ता हूं, अच्छा ये है, अच्छा इसका क्या आंसर होगा, ये होगा, मैं अपना नॉलेज आपके थ्रू इंक्रीज कर रहा हूं और आप अपना नॉलेज शायद मेरे थ्रू इंक्रीज कर रहे हो। तो कुल मिला के अगर हम लोग upwork.com freelancing.com पे लगे हैं या fiverr.com पे लगे हैं तो प्लीज कम से कम 1 महीना आपको डेली बिडिंग करना है, अगर जिसको पता है किस तरीके से करते हैं उनके लिए है ये, डेली बिडिंग करना है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया ऑनलाइन पैसे अर्न करने का। पहला क्या था, अलग अलग ब्लॉग आपने बना रखे हैं, प्रैक्टिस कर रखे हैं, उनको डाल दो। अब ये मत सोचो कि आपने डाला और तुरंत ही बिक जाएगा, तुरंत ही बिकने लगे तो सब वही करने लगेंगे। उसके बाद दूसरा आपके पास क्या स्टेप है, दूसरा स्टेप आपके पास है कि आप upwork.com और fiverr.com पे जाओ, डेली बिडिंग करो, 1 महीने अगर बिडिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको एक प्रोजेक्ट तो मिल ही जाएगा। और फायदा तब होता है जब एक प्रोजेक्ट मिल गया एक क्लाइंट के साथ और आपने प्रोजेक्ट में अपना बेस्ट दे दिया, 100% दे दिया, अब क्या होता है वो क्लाइंट अब दोबारा अपवर्क पर जाएगा ही नहीं, क्यों, उसकी कनेक्टिविटी आपके साथ हो चुकी है, अब वो डायरेक्ट आपको कॉल करेगा, यार जो तुमने लास्ट टाइम बनाया उसमें ये चीज चेंज करना है, कर दोगे क्या, मतलब अब आप उसके क्लाइंट बन चुके हैं रेगुलर बेसिस पे, अब कोई टेंशन ही नहीं है, एक बार क्लाइंट बना लिया आपको पैसे अर्न कर लो। मेरा एक दोस्त था, SEO करता था, SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो क्या करता था, पहले वो 6,000 में बहुत मेहनत करके सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक जॉब करता, 6,000 रुपीज में। फिर उसने क्या किया, उसने सीख लिया किस तरीके से काम करते हैं और फिर उसने upwork.com पे अपनी आईडी बनाई और फुल डेडिकेशन के साथ अच्छा नेट रखा और आज के टाइम में उसकी मिनिमम इनकम 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ है और उसके अंडर में 4-5 लड़के हैं जो SEO करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ काम उठाता है, सिर्फ काम उठाता है, और आज उसके पास सब कुछ है जो एक बेसिक नीड होती है हम सब यूथ की। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। तीसरा और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मतलब आपने ब्लॉग बनाए, आपने घर बनाए, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होंगे, आपने अच्छे अच्छे घर बनाए, अच्छे अच्छे आपने कोई कुछ भी डिजाइन किया, कोई कंपोनेंट डिजाइन किया, उसको आप नीचे आप उसके ईमेल आईडी डाल दीजिए अपना, हो सके तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए या व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए उसको। बहुत ढेर सारे आर्किटेक्ट के पेजेस हैं, बहुत ढेर सारे सिविल के पेजेस हैं, उनमें आप पोस्ट कर दीजिए। आप कभी अगर यूट्यूब वगैरह चलाते होंगे, फेसबुक वगैरह चलाते होंगे, उसमें देखते होंगे मेरा पोस्ट बहुत ज्यादा आपको दिखता होगा, क्योंकि हम लोग दिन भर करते रहते हैं,
अब आप बोलोगे सर मैंने भी 2-3 बार किया तो कुछ तो नहीं आया, क्या बता रहे हैं सर ऐसे ये अब वीडियोस बना रहे हैं लेकिन इससे मैंने किया है इसमें मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आपको फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने शायद 1 बार ट्राई किया 2 बार ट्राई किया। हम लोग दिन भर में कम से कम 10 घर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लो आप, फेसबुक पे देख लो, लिंक्डइन पे देख लो, डेली पोस्ट करते हैं, जितने भी घर तैयार होते हैं फटाफट हम लोग डालते हैं, तब जाके लीड मिलती है ब्रदर। आपके आपको नहीं पता होगा कि टिकटॉक जो अभी आप लोग देखते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके लिए कंपनी बन चुकी है और एक कंपनी नहीं लाखों कंपनीज हैं जो इनके पीछे काम करते हैं बैठ के बैकएंड पे। सोचो कितना प्रॉफिट होता होगा उनको, तब जाके तो काम कर रहे हैं ना। आपको फेसबुक लगता है बड़ा आसानी से आप चला रहे हो, फेसबुक के पीछे कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है इसका कोई आइडिया नहीं है आपको। आइडिया तब होगा जब आप उस फील्ड में मीन्स डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जाओगे और उतरोगे फील्ड में, देखोगे इतनी ढेर सारी कंपनियां हैं। तो तीसरा आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन यही है कि आप ढेर सारे घर बनाओ, घर बना के उसको पोस्ट करो और उसके बाद धीरे धीरे लोग, आप देखो क्या होता है कि एक पोस्ट किया हमने, आपके फेसबुक मान लो 500 लोग हैं, अब 500 में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसको बहुत अच्छा लगेगा, उसने शेयर कर दिया आपके पोस्ट को, या उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो बोले यार बड़ा अच्छा घर बनाते हो, अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना। अब आपने कॉन्टेक्ट नंबर से काम किया उनके साथ, अब वो आपको बताएंगे मेरी यार रिक्वायरमेंट है, एक मेरे घर बना दोगे क्या, 500 में से एक तो जरूर ऐसा रहेगा, और 500 में से अगर 50 लोगों को टैग कर दिया तो उनके फ्रेंड में से कोई ना कोई तो ऐसा आ ही जाएगा। अब उसने आपको टैग किया और आप नीचे बोले ठीक है मैं बना दूंगा तुम्हारा, तो उसको कॉल करके बात किया उससे, आप फ्री में एक प्रोजेक्ट कर दो उसका। देखो सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हो आप, कुछ भी आप ऑफलाइन नहीं गए हो भी, फ्री में आप उसका प्रोजेक्ट कर दो, क्योंकि आपको पैसे वो नहीं देने वाला है, क्योंकि कोई ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कौन होता है, आपके चाचा बुआ ताई तावा जो भी रहते हैं यही सब रहते हैं, मीन्स रिलेटिव ही रहेंगे मैक्सिमम, और रिलेटिव पैसे देना नहीं चाहते क्योंकि मैं खुद भी देख रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारा सेवा चल रहा है, तो रिलेटिव पैसे तो देंगे नहीं। बट जब आप उनका घर बनाओगे और वो अगर बहुत बेस्ट बना दिया आपने, डेफिनेटली वो कम से कम 1000 लोगों को बताएंगे, जितने लोग आएंगे अरे उनका लड़का था उसने बनाया या उनकी लड़की थी उसने बनाया, तो क्या हो रहा है आपकी मार्केटिंग फ्लो हो रही है। इसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। MBA में बताया जाता है कि सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज व्हाट, माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि इसमें ट्रस्ट फैक्टर 80% to 90% रहता है। तो इस तरीके से अगर आपने किया तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा स्टेप हो सकता है आपको घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने का तीसरा और सबसे बेहतरीन तरीका। मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, इस तरीके की गाइडेंस आपको अगर अच्छी लगती है तो यार इसको ज्यादा लोगों तक शेयर किया करो, क्योंकि जो मैंने फेस किया है वही मैं आपको साथ बताता हूँ, एज अ फ्रेंड बताता हूँ। आप प्रोजेक्ट अगर ले नहीं पा रहे हो तो भी नीचे कमेंट करो, अगर प्रोजेक्ट ले रहे हो और कर भी नहीं पा रहे हो तो भी नीचे कमेंट करो कि सर मैं प्रोजेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ, डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की, क्योंकि आप प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं तो आपको आपको भी अर्निंग हो रही होगी, तो हम साथ में अगर मिलकर करते हैं तो हम दोनों को प्रॉफिट होगा, तो डेफिनेटली हम लोग कनेक्ट होकर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है इन द सेंस कि आपको स्टैम्प करने की जरूरत है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं समझ आ रही है, बिल्डिंग बाय लॉ समझ में नहीं आ रहा है, उन सब के लिए हम आपको गाइड तो प्रोवाइड ही करते हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं। सिर्फ आप मिलिए और इसको स्टार्ट करिए धीरे धीरे, और जिसको भी मिलना है मैं तो पर्सनली भी आपसे मिलता रहता हूँ, तो इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करते हो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार ज्यादा लोगों तक शेयर करना, मुझे ज्यादा लोगों से कनेक्ट होना है, एटलीस्ट 10,000 तो जल्दी से कर दो यार, क्योंकि अभी 10,000 लोग जाएंगे तो मैंने सोचा है कि मैं मैनुअल डिजाइन से स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिकली मैनुअल डिजाइन, मीन्स प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छी मैनुअल डिजाइन होती है वो किस तरह होती है वो सब डिस्कस करूंगा, बट 10K सब्सक्राइबर के बाद, सो दैट कि अगर कम से कम एक वीडियो बना तो 5,000 लोग तो आए कम से कम वॉच करने के लिए, तो थोड़ा मेहनत का लगेगा कि नहीं चलो ठीक है वैल्यूबल कंटेंट दे रहा हूँ तो हमको भी वैल्यू क्रिएट हो रहा है। अभी भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आप दे रहे हो बट अभी थोड़ा स्लो है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।